सत्य गुरु जय गुरुदेव सत्य गुरु जय सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जी की महिमा निराली है सतगुरु जी की महिमा निराली है दया धारम मार्ग बतला दया धर्म मार्ग बतलावे कोई भी घट नहीं खाली है कोई भी घट नहीं खाली है सतगुरु जी की महिमा निराली है सतगुरु जी की महिमा निराली है दया कृपा करते हैं स्वामी दया कृपा करते हैं स्वामी दरस परस को करावे नामी दरस परस को करावे नामी सतगुरु जी की महिमा निराली है तिलको फोर दिव्य दिखलावे तिलको फोर दिव्य दिखलावे धाम तुम्हारो खूब समझावे धाम तुम्हारो जावे दया निहर तोयाली है दया निहर तोयाली है सतगुरु जी की महिमा निराली है सतगुरु जी की महिमा निराली है नामदात सत नाम दात सतगुरु जी ने दीना करी हर भजन राम जी को चीना कर हरि भजन राम जी को चीना कोई घट पट नहीं खाली है कोई घट पट नहीं खाली है सतगुरु जी की महिमा निराली है सतगुरु जी की महिमा निराली है गुरु चरणन में मन चित लाओ गुरु चरणन में मन चित लाओ नाम भजन को तुम भी गाओ नाम भजन को तुम भी गाओ हरि से मिलने तुम भी जाओ हरि से मिलने तुम भी जाओ दया में हर ये निराली है सतगुरु जी की महिमा निराली है
सत गुरु जी की महिमा निराली है। परदेश में धाम तुम्हारा, परदेश में धाम तुम्हारा, वहाँ पे बैठा सतगुरु प्यारा, वहाँ पे बैठा सतगुरु प्यारा, दरस परस की हाली है, दरस परस की हाली है, सतगुरु जी की महिमा निराली है, सतगुरु जी की महिमा निराली है। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज ने बताया कि हमारी सूरत जीवात्मा कितने कल्प सदियां बीत गई, ये उधर धुर धाम से आई पर यही कर्म कर्जों में फंसी रह गई। अब स्वामी जी महाराज सतगुरु अपने लेने के लिए आए हैं, नाम दात दी है, स्मरण ध्यान भजन का रास्ता बताया है, सांचे सतगुरु ले जाने के लिए तैयार हैं। अब हमको आपको उनके साथ चलना है। सतगुरु प्यारे नाम बतायो, सतगुरु प्यारे नाम बतायो, नाम भजन मन घट में गायो, नाम भजन मन घट में गायो। स्वामी जी महाराज ने नाम बता दिया, दात दे दिया है, अपने घर का रास्ता समझा दिया है और ये कहा है कि तुमको नाम दान जो दिया है उस नाम दान को सुबह और शाम गाना, सुबह और शाम लग करके सुमरण ध्यान भजन करना। पर प्रेमियों, हम आप कितना सुमरण ध्यान भजन कर पाते हैं इसके बारे में हमको आपको सोचना पड़ा। अगर सुमरण ध्यान भजन करेंगे तब तो उस देश में जाएंगे, और सुमरण ध्यान भजन नहीं करेंगे मालिक की मौज हो जाए, खेप जाने लगे, जहाज छूटने लगे, कहे चलो भाई जो भी बचा है सब आ जाओ, तो गुरु महाराज की दया। पर वैसे तो तुमको सुमरण ध्यान भजन करना भी पड़ेगा, बिना सुमरण ध्यान भजन किए कोई भी प्यार नहीं गया न जाने वाला है। सच्चे सदगुरु जो समरस संत हैं वो पार देश में भेजते हैं, पार में ले जाते हैं और पार से लाते हैं, उनकी पूरी दया दहर होती है। धुरी धाम सतगुरु जी का धाम, धुरी धाम सतगुरु जी का धाम, पहुँच चलो ये तेरो मुकाम, पहुँच चलो ये तेरो मुकाम। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बतलाते हैं, जो धूरी धाम है, जो अनामी वहां मेरा है और वही तेरा घर है, वही तेरा धाम है, जहां मैं रहता हूं वही तू भी रहता। अब अपने धाम को तुझको चलना है, अपने देश को चलना है, अपने देश जाने के लिए तुझको सुमरण ध्यान भजन की जरूरत है। यहाँ तुझको क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा वो तो मैं सब समझाऊंगा और
तुझको सारा भेद बताऊंगा। नाम भजन सतगुरु बतलावे, नाम भजन सतगुरु बतलावे, मुखोती पद सतगुरु दिलवावे, मुखती पद सतगुरु जिलवावे। नाम भजन को सतगुरु बतलाते हैं, स्वामी बतलाते हैं और मुक्ति पद भी सतगुरु स्वामी ही दिलाते हैं, इसके अलावा कोई दिलाता नहीं। आप नाम भजन करोगे जहां की आशा वहां की भाषा, तुम को मुक्ति पद केवल सदगुरु ही दिला सकता है, मोक्ष वही दिला सकता है, परम पद वही दिला सकता है, इसके अलावा किसी दूसरे के पास आए मिलन करो राम नाम से, मिलन करूं मैं राम नाम से, ईश्वर अपने सके ईश्वर अपने साकेत धाम से। कहते हैं मिलन करो तुम राम नाम से, राम जी से मिलन करोगे, राम जी आशीर्वाद देंगे, मिहर फरमाएंगे और कहेंगे इस त्रिलोक में चले जाओ, ब्रह्मा से मिलो, विष्णु से मिलो, शंकर भगवान से मिलो, आद्या महाशक्ति अष्टांगी महामाया से मिलो और तमाम देवी देवता हैं जिनसे चाहो उनसे मिलो। तुम चाहो तो तुम्हें स्वर्ग दे दें, तुम्हें जरूरत हो तो वैकुंठ दे दें, शिवपुरी ब्रह्मपुरी दे दें, और चाहो तो हम अपना साकेत धाम दे दें। पर उनके पास मुक्ति पद है, जब तुम्हारा पुण्य खत्म होगा तब तुमको इसी देश में पुनः आना पड़ेगा, किसी धनी मानी के यहां आपका जन्म होगा, जब इतने बड़े पुण्य आत्मा है। जन्म होने के बाद लालन पालन होगा, सोसाइटी पर्सनालिटी सुधर गई तो अच्छी बात, नहीं तो नरक और चौरासी का रास्ता खुला हुआ है। तो प्रेमियों, स्वर्ग प्राप्त करके आप क्या करें, वैकुंठ मिल जाए क्या होगा, शिवपुरी ब्रह्मपुरी मिल जाए क्या मिलेगा, तुम्हें तो अपने स्वामी के साथ पिया पद में अपने देश में अपने धाम में जाना है। अपने धाम में जाओगे तभी कुछ काम बनेगा। गुरु महाराज कहते थे धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। तो जब अपने धाम में चलोगे तब कुछ मिलेगा, और अपने धाम में नहीं चलोगे, तुमको सुनाया गया बताया गया आज कह रहे हो ब्रह्मा को नहीं देखा, विष्णु को नहीं देखा, शंकर को नहीं देखा, राम को नहीं देखा, सीता को नहीं देखा, माया को नहीं देखा, माता रानी को नहीं देखा, तो सबसे पहले तो स्वामी जी महाराज वही दिखाए, ये सब देख लो। देखो नहीं ना पसार जो कोई, देखो नहीं पसार जो कोई, सतगुरु दया मिहर से सोई, सतगुरु दया मिहर से सोई। देखो नैन भर करके देख लो, इच्छा भर करके देखो, सच्चे से देखो, अच्छे से देखो,
खूब कड़ाई से सच्चाई से अच्छाई से देखो, कहते तुम स्वर्ग को देखो, वैकुंठ को देखो, शिवपुरी ब्रह्मपुरी को देखो, पर देखो, जब देख लोगे और राम को देख लोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि हमने देखा उधर कुछ है, हमने देखा। और जब देखोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है, आप सोचोगे कि हमने देखा ही नहीं। सतगुरु मिहर करो प्रणाम, सतगुरु मिहर करो प्रणाम, चरण कमल मेरो धाम, चरण कमल मेरो धाम। अपने स्वामी सतगुरु को प्रणाम करो। स्वामी सदगुरु को प्रणाम करने के बाद चरण कमल में जाओ, वहां चरण कमलों को चूमो और अच्छे से माथा टेको, वही गुरु के चरण है। उस चरण कमल से होते हुए अपने तिब्बत देश, अपने परम देश, अपने मुक्तिपद के देश, अपने स्वामी देश को मांगने की कोशिश करो कि हे स्वामी हमें मुक्ति मिल जाए, परम पद पिया पद मिल जाए, और इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है और दूसरी चीज नहीं चाहिए। गगन बीच चमक एक तारा, गगन बीच चमक घट बीच अद्भुत उजियारा, घट बीच अद्भुत हो उजियारा। जब गुरु महाराज बताते हैं, अंदर में अपने सदगुरु बताते हैं कि जब तुम अच्छे से ध्यान लगाओगे तो सबसे पहले तुमको बिंदु चमकता हुआ नजर आएगा, सुई की नोक के बराबर, ऐसा गुरु महाराज ने कहा। पर गुरु महाराज की कृपा है, बड़ा सा दिखाई पड़ता है, चमकता है, और वो बिंदु जब चमकेगा तो वो अंदर गगन में ले जाएगा, अंदर ले जाएगा, अंदर में ले जाएगा, तब तुम्हें अद्भुत अलौकिक दिखाई पड़ेगा। वो अंदर में ले जाएगा, वो चमकने लगेगा तो सूरत जीवात्मा उसी में रिंग बनाते हुए अंदर में धसने लगेगी। चम 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 कै तेरी सूरतिया, चम 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 के तेरी सूरतिया, रूप दिया का ज्योत मूरतिया, रूप दिया का ज्योत मूरतिया। ये सूरत जीवात्मा चम 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 चमकने लगी। जब ये चम 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 चमकने लगी और अंदर में जाती है तो सर्वप्रथम चरण कमल के दर्शन, गुरु के दर्शन के बाद सीधे ज्योति स्वरूप प्रभु राम का दर्शन होता है। जब सीधे राम का दर्शन हो गया तो उधर से पलटी, उसको रास्ता मिल गया आगे जाने का। अब वो पलटे, देखो एक बार आगे गए तो देखा, पीछे मुड़ोगे तो फिर वही दिखाई पड़ेगा, कुछ दूसरा तो नहीं आएगा। तो अब इधर से गए, उधर से जब पलटे तब देखते हैं एक एक क्या जाओ मूर्तियों महिमा न्यारी क्यारी, मूर्तियों महिमा न्यारी क्यारी, घट बीच
वहाँ जो आप समझ रहे हो, जो मूर्तियों को आपने देखा है वो सचर में उधर है, वहाँ जीती जागती है और एक एक उनके धाम है, एक एक उनका देश है। उन देशों को देखने के लिए तुम्हें जाना है। अगर जाओगे नहीं तो आप अपने मन में यही कहोगे कि तो हम तो गए नहीं, हमने देखा नहीं, हमने अभी सुना नहीं, गुरु महाराज तो ऐसे बताते, हमने वैसे देखा, ऐसे बताते वैसा देखा, वैसा हमने नहीं देखा। प्रेम भाव से चले सयानी, प्रेम भाव से चले सयानी, स्वर्ग देश पहुंची मन मानी, स्वर्ग देश पहुंची मन मानी। अप्रेम भाव से चलती और स्वर्ग में पहुंची, उधर राम के दर्शन करके आई है, अब इधर से जा रही तो स्वर्ग में पहुंच गई। और स्वर्ग में जब पहुंचती है तो अद्भुत चीजें, अद्भुत उसको देखने को मिल रहा है। तरह तरह के नाच रंग बाजे, बाग बगीचे और तरह तरह की चीजें, वही तमाम ऋषि मुनि बैठे हुए जिन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति की कामना की है। अब वो सब चीज देख रही है, पर अब देख रही है, गुरु महाराज पूछते हैं, बच्चा सब देख लिया बच्चू? हाँ देख लिया मालिक, तो फिर आगे चलना है? तो हाँ मालिक चलने हैं, नहीं तो उसी में फंसे रह जाते। देखो यहाँ सत्संग में कम आनंद आता, पेट में भूख लगी रहती, कहीं क्या होता है। गुरु महाराज का फिक्स टाइम था सुबह और शाम, पहले सत्संग उसके बाद में कोई काम होता, पर अब तो कोई अनुशासन प्रशासन रह ही नहीं गया। जब मर्जी जब सत्संग और जब मर्जी जब हो जाए। तो प्रेमियों, अब गुरु महाराज अगर ना हो तो यहां आप पिक्चर देखने लगते हैं तो माला भूल जाते हैं, कहते चलो शाम को भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है उसको देख लेते हैं। और जब रियल में पिक्चर चल रही हो सामने, एकदम सच्ची सच्ची पिक्चर चल रही हो, तो क्या करोगे? तो सब जगह तो फंसावा है, तो धीरे से गुरु महाराज उधर से निकाल कर ले जाता। तो गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान धरो तुम चलो भाई, ध्यान धरो तुम चलो बैकुंठा, सत्य नारायण स्वामी, सत्य नारायण स्वामी। कहते हैं तुम बैकुंठ नहीं चलो, वहां विष्णु भगवान उनको सत्य नारायण स्वामी कहते हैं, वो सबका पालनहार करते हैं, सबको भोजन कराते हैं। अब वहां गए उससे भी अद्भुत, और वहां लक्ष्मी माता बरसात हो रही है नोटों की, अरे यहां वाले नोट तो दूसरी किस्म के, वहां वाले दूसरी किस्म के, ये ले लो वो ले लो वो ले लो वो ले लो। और उसी में बड़े खुश हो गए कि भाई अब ये लेंगे वो भी लेंगे वो भी लेंगे वो भी लेंगे। अभी पीछे तो देख नहीं रहे हैं कि पल्लू में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर अब उसको बड़े विधवत बड़ी अच्छी तरीके से देख रहे सुन रहे। देख सुन करके वहां रहे काफी दिन, जाते आते रहे, विष्णु भगवान के दर्शन करते रहे, उनकी दया मेहर प्राप्त करते रहे। फिर उसके बाद में जब फिर गुरु का दर्शन हुआ तो कहा, अरे बच्चू
विष्णु लोक देख लिया तक हाँ मालिक देख लिया तक अभी और जाओगे आप पाओगे तो चले जाएंगे क्योंकि मन उधर ही लगा है। तो कहा नहीं बच्चों आप ब्रह्म लोक जाना ब्रह्मा जी के लोक ब्रह्मा लोक की करी तैयारी ब्रह्म लोक की करी तैयारी वीणावादन है झनकारी वीणावादन है झनकारी ब्रह्म लोक की तैयारी कर दिया ब्रह्मा जी के यहाँ जाने आई। अब यहां से वहां और अद्भुत और वहां बीड़ा बज रही है लोग नाच रहे हैं। अगर नाच होने लगे तो उसको सब लोग देखें सवाला पांच सवाला नोट खटाखटा निकलेगा और सत्संग होने लगे तो कान में गुनी डाल देंगे कहेंगे इसको सुनेंगे नहीं नहीं भगत बना देंगे तो बड़ा बुराई होगी। अभी हम भगत होंगे नहीं जब बुढ़े हो जाएंगे तब भगत होंगे। प्रेमियों जिनको मिला जवानी में बचपने से जवानी में बुढ़ापे में किसी को कुछ मिलता नहीं है। जब बुढ़ापे में नौकरी नहीं लगती कोई नौकरी नहीं देता तो भगवान कैसे मिलेगा। ताकत रहेगी नहीं नाम भजन होगी नहीं अंदर से जो जरूरत जीवात्मा खींचेगी ऊपर जाएगी नहीं। जहाँ कुंडलियों को जागृत किया जाता है उसमें भी नहीं कुछ कर सकते। जब उसमें भी कुछ नहीं कर सकते तो बताओ क्या कर सकते। और जब नौजवान है तो धरा सोसे पे सोसा काम हो गया। तो अब ब्रह्मा जी के लोग को अच्छी तरह से देख रहे अद्भुत देख रहे आनंद आ रहा। अब उसको कुछ दिन देखा आए गए कहा यही रह जाते हैं ठीक रहेगा। तब तक गुरु महाराज फिर मिले अरे बच्चों देखा हाँ जी स्वामी जी महाराज देखा तो क्या विचार है। अब जैसा मन तो उधर ही लगा है मन उधर ही लगा है जैसे किसी को घंटा शंख बजने लगा घंटा बजा फिर शंख बजा फिर हिलने लगे फिर बजा फिर हिलने लगे फिर बजा। ये बताओ स्वामी जी महाराज ने कहा कि अंदर में घंटा शंख बजेगा। जब अंदर में आपके घंटा शंख बजेगा तो वो काल का है। अगर बीन बांसुरी बजे तो वो काल का है। पर लोगों के लिए ये भाव बन गया है कि बड़ेला में जो है वो काल का अनुभव होता है। बचता जो कुछ है जो गुरु महाराज बताते हैं वही होता है वही। पर समस्या ये है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं दुकान कहना तो बेकार है फैक्ट्रियां हैं। उन फैक्ट्रियों में केमिकल चढ़ाया जा रहा है केमिकल जब निकल जाएगा तो फिर वो वैसे रह जाएंगे। और यहां कोई केमिकल पेमिकल नहीं। आ सच्चा सुनो सच्चा अनुभव करो सच्चा देखो सच्चा गुरु। अब ब्रह्मा सोए जा रहा अब ब्रह्मा जी के देश को देख लिया आनंद आ गया फिर गए कहां गए शिव भोले के देश में जावे शिव भोले के देश में जावे हरि गुण को गुण को फिर से गावे। अब इधर से भोलेनाथ के देश में पहुंचे। जब भोलेनाथ के यहां गए तो जो साधक प्रेमी होता है वो जाएगा दर्शन करेगा आशीर्वाद देंगे
और जैसे आशीर्वाद देंगे पूछेंगे क्या चाहिए हमें, तो गुरु महाराज से मिलना तो हाथ उठा देंगे जाओ इधर। अब क्या कहें गुरु महाराज को, जिधर है उधर ही बताएंगे कि इधर चलेंगे। और जो पहुंचा भोले बाबा के यहाँ तो सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। अब उसी में आनंद आने लगा, घूमने लगे टहलने लगे प्रेमियों। और देखो सब घूमा टहला, फिर उसके बाद में फिर गुरु ने पूछा हो गया बच्चों का, हाँ मालिक हो गया, तो फिर आगे चले। तो आगे की रील गुरु काट रही थी, अगर आगे की रील काट ना दे तो कोई पार ना जा सकता। कोई स्त्रियों का देश, यहां ऐसी कोई स्त्री नहीं जिस प्रकार की वहां स्त्रियां हैं। गुरु महाराज ने कहा कि अगर नाखून देख ले सही से तो 100 साल तक नशा चढ़ा रहे उसका, कि हमने ना इस तरह का देखा इस तरह का देखा, उसी के आदमी पागल रहे, उसको वो दूसरे रास्ते से ले जा। राम पिया से मिलन करावे, राम पिया से मिलन करावे, भर दंडवत माता को गावे। राम पिया के अब दर्शन होंगे और माता जी को प्रणाम किया जाएगा। माता जी को प्रणाम कर लिया और माता जी से अनुनय विनय कर ली, क्योंकि वो स्त्रियों का देश, उधर से कोई जा नहीं सकता, इसलिए शॉर्टकट बाईपास रास्ते से राम जी के यहां पहुंच गए। राम जी के यहां जब गए तो राम जी के यहां जब पहुंचे तो एक राम जी तो ज्योतिष स्वरूप, उसमें से जो रूप प्रकट होता है जो इस त्रिलोक को देखता है वो हमारे तुम्हारे ही का, जब हमारे तुम्हारे जैसा नहीं देखेंगे तो मानेंगे कि यह है धनुष बाण वाले राम चाहिए, तो धनुष बाण वाले राम का उस रूप ज्योतिष रूप से दूसरा था। उनकी अर्धांगिनी आद्या महाशक्ति और ज्योतिष रूप जो निरंजन भगवान है उनकी अर्धांगिनी अष्टांगी देवी। अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि सत्संग तो सुना थर्राटे में और लड्डू खाया रगड़ी खाई, गोवर्धन देखा बिंदरावन देखा मामला टाटा है, फिर क्या सुनाया था स्वामी महाराज ने कहा अगली बार आएंगे बताएंगे फिर सुनेंगे। इसी तरह करते करते अगली बार अगली बार अगली बार गाड़ी बहुत दूर निकालेगा, वो उनका रूप। अब उन्हीं में से और एक रूप जिनको कहते हैं काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, जिनको धर्मराय कहते हैं। अच्छी तरह से समझो, अभी यहां की स्टोरी अच्छी तरह से समझ लो, ना तुम्हें राम मारने आते हैं, ना कृष्ण मारने आते हैं, ना शंकर भगवान मारने आते हैं, ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना कोई देवी माता, कोई तुमको परेशान करने मारने नहीं आता, ना तुम्हें लेने आता। लेने तीन ही बंदे आते हैं, जमराज, धर्मराज और सतगुरु। या बहुत पुण्यकर्मी आदमी हो तो उसको स्वर्ग से इंद्र भगवान, उससे ऊपर और उससे ऊपर राम भगवान लेने आ जा कि चलो भाई हमारे साथ हमारे देश में तुमने भक्ति की है। पर यहां का जो नियम है, बुरे कर्म करने वाले के लिए जमराज,
अच्छे कर्म करने वाले के लिए धर्मराज, सदगुरु के जीव के लिए सदगुरु। सदगुरु आते हैं, पर्चा ले लेते हैं, भाई अभी हमारा जीव है, अभी ये भजन करेगा, ये करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं उसके, वो जान जाए। पर दुनिया के हिसाब से फिर वहां धर्म है, जो शुभ और अशुभ कर्म फल दाता है, वो वहां हिसाब देखता है, हिसाब देखने के बाद तुम्हें फल देता है, सजा नहीं देता, फल देता है। अच्छे कर्म किए हैं तो जाओ स्वर्ग वैकुंठ, शिवपुरी ब्रह्मपुरी भोग करो। बुरे कर्म किए हैं तो नरको चौरासी में चमकी जूठी खाओ। अब ये राम जी का विधान है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। स्वामी जी महाराज के यहां विधान क्या है, ना पाप की जरूरत है ना पुण्य की जरूरत है। क्या जरूरत है? ना पाप की जरूरत है ना पुण्य की जरूरत है। ये जो नाम भजन होता है, उस नाम भजन की ज्वाला से दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं, पाप कर्म खत्म हो जाते हैं और जो पुण्य कर्म होते हैं वो अंदर भी जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं तो ऊपर का काम होने लगता है। तो अभी आपने स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी और आद्या महाशक्ति और राम जी के बारे में अभी ठीक से अभी बताया जाए तो कई दिन लगेंगे ठीक से, क्योंकि अभी ब्रह्मा जी के यहाँ गणेश जी हैं, गणेश जी और शंकर भगवान के यहाँ कार्तिकेय हैं और गणेश जी हैं, फिर ब्रह्मा जी के नारद जी हैं, लोमश्री जी हैं, फिर ऐसे ऐसे तमाम लोग हैं और कितने देवी देवता, 33 करोड़ देवी और देवता। तो प्रेमियों, मालिक की असीम दया अनुकंपा से हमको तुमको नाम दान मिला, और नाम दान मिलने के बाद अगर हमको तुमको मुक्ति पद नहीं मिला तो कई जन्मों तक तुम्हारे साथ था, अब की बार नहीं मिला पार हुए तो अगली बार सही, अगली बार नहीं तो अब की अगली बार, और ये भी समझ लो अब की बार तुमको जन्म दिलाया जहां दो रोटी सदे शाम मिल रही है, अगली बार जन्म वहां दिलाएंगे जहां सुबह शाम तुम गुरु महाराज को याद करोगे और रोटीन के लिए परेशान रहोगे, तब तो भजन करोगे। इसीलिए गुरु महाराज कहते कि गरीबी बीमारी और अपमान गुरु का गहना होता है। कोई तुम्हें गाली दे, अरे इस तरह के पागल चुप, बीमारी आ गई तो गुरु की दया से कोई ना कोई कर्म कर्जा कट रहा है, अपमान कोई कर रहा है, चलो भाई कोई बात नहीं, गरीबी है कोई बात नहीं, चलने तो जैसे चलना। अब तो गुरु महाराज की दया कृपा से दो रोटी सुबह शाम सबको मिलेगी, पर कोई ऐसी भी जगह होगी जहां रोटी मुश्किल से मिलती हो। धर्म करम संदेश गुरु का, धर्म करम संदेश गुरु का, मन मंदिर की पूजा, मन मंदिर की पूजा, सतगुरु प्यारे बहु समुझावे,
सतगुरु प्यारे बहु समझावे। काम न कोई दूजा, काम न कोई दूजा। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि इसी नौजवानी में और इसी जन्म में लग करके स्मरण ध्यान भजन कर लो, जिससे जीवात्मा पार हो जाए। अद्भुत अलौकिक दिखाई पड़ने लगे, अभी परिवर्तन होने जा रहा है, अनुभव अनुभूति नहीं होगी, कल आंधी तूफान आने वाला है, सब मकान उड़ रहे हैं, छप्पर उड़ रहे हैं, भाई कैसे तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा होने वाला है तो उसकी व्यवस्था करोगे, और उन आध्यात्मिक शक्तियों से कैसे तुम बात करोगे जब तक तुम स्मरण ध्यान भजन नहीं करोगे। स्मरण ध्यान भजन करोगे तो जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, प्रलय की देवी हैं, देवी देवता हैं, उनसे तत्काल बातचीत हो जाएगी, उनकी भोजन सुगंधी हवन कुंजन हो जाएगा, कम से कम तुम्हारे ऊपर तो दया मेहर हो जाएगी, और कुछ होगा नहीं तो कैसे होगा। देखो लंका में, लंका में जहां राम जी गए, लंका में वो त्रिचटा राक्षसी थी, पर भगवान की भक्त, उसने देखा सपनों बानर लंका जारी हुई है, सत्य गए दिन चारी। उसने देखा कि स्वप्न में तंद्रावस्था में कि स्वप्न में उसने देखा कि एक बानर आया, उसने सारी लंका धार दिया, बड़ा नुकसान किया, सब मारे गए, कोई बचा नहीं, तो अपना रा रा रट रही थी, वो रटती चली गई, प्रभु में लगन लगाए थे, प्रभु में लगन लगाती चली गई, और वो बच गई, उसको तो नहीं किसी ने मारा, और भीषण बच गए। पर जब तुम राम राम रटोगे ही नहीं, स्मरण ध्यान भजन करोगे नहीं, बड़ा वाला स्क्रीन टच लगा हुआ है, नहीं मोबाइल है, बस शुरू है सुबह से शाम तक, अरे प्रेमियों कैसे काम में, इधर में मोबाइल फोन सबसे बड़ा वाला है, सबसे बड़ा टच स्क्रीन यहां पे लगा हुआ, जब इसको तुम चालू कर लो तो दूसरे वाले का फोन से बात करने की जरूरत है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। स्वर्ग जाओगे वैसे तर जाओगे, वैसे इतना आनंद आ जाएगा कि यहां पर कोई आनंद उस तरह का है ही नहीं। तो जब सब कुछ उधर मिलने वाला है तो इधर फंसने की क्या जरूरत है। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव, करो ध्यान भजन मन मंदिर में, करो ध्यान भजन मन मंदिर में, गुरु का ज्ञान सदाही आवे, गुरु का ज्ञान सदाही आवे, मैलाई सब कटी कटी जावे, मैलाई सब कटी कटी जावे, सतगुरु अपनी दया बरसावे, सतगुरु अपनी दया बरसावे, पूजा करो मन मंदिर मां, पूजा करो मन मंदिर मां, धरो ध्यान सतगुरु का मंदिर मां, धरो ध्यान सतगुरु मंदिर मां,
अली का अपने बहुत प्यारे, मालिक अपने बहुत प्यारे, दूरी धाम में जीव है तारे, दूरी धाम में जीव है तारे, ध्यान धरो गुरु चरण मा, ध्यान धरो गुरु चरण मा, कुछ ज्ञान करो गुरु चरण मा, कुछ ज्ञान करो गुरु चरण मा, सत्य गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। चलो भोजन प्रसाद भाई हो।